Recording 00 taskbar. Button. Document 1-Microsoft. नमस्कार दोस्तों, पिछले कई एपिसोडों में आप हिंदी टाइपिंग के विभिन्न क्रियाकलापों को देख चुके हैं और काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। तो अब हम एक रिकैप करते हैं हिंदी टाइपिंग को लेके, कुछ रिकैप है तो रिकैप एक बार कर लेते हैं, बाकी कैसे इसमें करना है। तो हम रिकैप इस बार जो शुरू कर रहे हैं वो हम रेमिंगटन से कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेमिंगटन से करते हैं। तो रेमिंगटन की सबसे पहले होम लाइन आप लोग को बताते हैं कि रेमिंगटन की होम लाइन में आता क्या क्या है और कैसे यूज़ होगा, और कुछ लिख के भी देखेंगे। तो पहले रेमिंगटन की होम लाइन, तो ज़रा इसको ट्यूटोरियल को विलंब ना करते हुए इसको फटाफट रखते हैं कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हम अपने दर्शकों का जिन्होंने की बहुत सराहा और काफ़ी कुछ इस ट्यूटोरियल के लिए दिया, अपना कीमती समय दिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और लुत्फ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम जल्द से जल्द इसको देख लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑल्ट शिफ्ट कर लेता हूँ पहले मैं, और ये कीबोर्ड चेंज कर दिया। आपको पता ही है, जब दो कीबोर्ड अगर एक ही लैंग्वेज के ऐड होते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करना अनिवार्य होता है। तो इसमें देखिए पहली होमलाइन में क्या है। सबसे पहले है, एक मिनट रुक जाइए, पहले तो ये छोटा दिखाई देगा आपको, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर दिया हमने, अब से बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आ गए हम। और पहले देखिए, सबसे पहले जो ए का बटन है, क्योंकि अंग्रेजी के अनुसार हम देखें तो ए एस डी एफ, और हिंदी के अनुसार जाएंगे तो ए एस डी एफ जी तक जाएंगे। यहाँ से सेमी कोलन एल के जे होता है, लेकिन ये हम लेंगे यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी सेमी कोलन एल के जे एच तक। तो सबसे पहले रेमिंगटन के अंतर्गत आने के लिए क्या है कि सबसे पहला आपका है अनुस्वर। अनुस्वर जो है वो अनुस्वर एक साइन है, तो अनुस्वर का साइन, तो ए का बटन दबाते हैं, अनुस्वर स्पेस कर देता हूँ, ए की मात्रा, एक पांच ए वाला ए की मात्रा, स्पेस का स्पेस छोटी ई की मात्रा, दो चार वाली छोटी छोटी ई की मात्रा, स्पेस हा स्पेस बड़ी की मात्रा, ठीक है, स्पेस क्या हुआ, अनुस्वर ए का ई हा ई, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल मिटा दिया। ठीक है, अब इसी को हम इन्हीं को कल बदल के साथ देख लेते हैं, यानी शिफ्ट का बटन दबा के, तो ए की मात्रा, ए तीन चार ए, नहीं अनुस्वर को दबाया तो डंडा आया यानी बड़ा आया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको इस समय नहीं देखते, तो हम एस दबाते हैं, शिफ्ट एस आई की मात्रा, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट के साथ डी किया तो आधा का, शिफ्ट के साथ एफ किया तो आधा था थाली वाला, ठीक है, और हा करने पे कुछ नहीं बनता, वो दूसरे अन्य भाषा का शब्द बनता है ना, ये बनता है, ये इसके लिए जरूरत नहीं है। बड़ी को किया तो आधा भा, ठीक है, यानी एच का बटन, ठीक, इन सब को डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए दबा रहा हूँ, भगा दी। अब इसको दाई तरफ से देखिए, ये बाई तरफ से था, अब यहाँ पहले एपोस्ट्रोफी का बटन दबा रहा हूँ, ये देखो टिक बोला ना, यानी अपोस्ट्रोफी का बटन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आधा श तला विषय वाला था, एक चार छ वाला श, या दंती सा दो चार छ, दो तीन चार स, बड़ा आ की मात्रा तीन चार पांच, और र, ठीक है, इसको एक बार फिर ऐसे देख लीजिए, आधा श बड़ा आ की मात्रा,
ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हमारी सिलेक्ट ऑल लाइन फीड। अब इसको हम कलबदल से देख लेते हैं दाईं तरफ से, आधा शाह जो है वो आधा मूर्धन्य शाह, यानी 4 1 2 3 4 6 ठीक है, मूर्धन्य शाह आधा दंती सा रू, नहीं सॉरी उसके बाद यह था ना, तो शाह यह पे किया तो रू आया, ठीक है सिलेक्ट लाइन फीड गलत है, मूर्धन्य शाह यानी शिफ्ट के साथ अपोस्ट्रोफी किया, यानी जो सिंगल कोड होता है अंग्रेजी में, ये English होता है जो इंग्लिश में कोड है ना left. तो ये left. इसको किया तो आधा मूर्धन्य शाह स्पेस रू स्पेस आधा दंतीसा स्पेस ज्ञा, ठीक है, और शिफ्ट के साथ जेड दबाया, जेड नहीं जे दबाया, जिसपे डॉट है जे दबाया तो श्रादा शर श्री लिखने के लिए, यानी 4 1 4 6 1 2 3 5 ठीक, यानी आधा तला विशा और रा, क्या शिफ्ट के साथ जे दबाने पर, जे 2 4 5 जे जे जूलियट दबाने पर, ठीक है, ये तो हो गई होम लाइन सिलेक्ट ऑल लाइन फीड। एक बार होम लाइन को मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ और देख लीजिएगा, अनुस्वर ए का ई ई ई आ र आ ओ ओ ओ स्पेस अनुस्वर 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 स्पेस आ ए ए ठीक, ये ऊपर आपके लिए लिख दिया। आप इसके ऊपर वाली यानी अपर लाइन यानी अंग्रेजी के अनुसार क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई और राइट ब्रैकेट जैसे लेफ्ट ब्रैकेट पी ओ आई यू वाई, ठीक, तो सबसे पहले बिना कल बदल के यानी बिना शिफ्ट दबाए सबसे पहले देखें तो क्या है, टैब के बाद वाला बटन यानी क्यू को दबाए तो छोटा ऊ की मात्रा 1 3 6, बड़े ऊ की मात्रा 1 2 5 6, मा और ये देखिए उमाता ज ल ल, ठीक है, अब इधर से आते हैं, इधर से सबसे पहले कॉमा, ठीक है, जो कि कौन सा है हमारा लेफ्ट राइट ब्रैकेट लाइट ब्रैकेट कॉमा आधा ख व प न, ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए कॉमा स्पेस आधा ख आधा च प न आधा ख च व प न, ठीक सिलेक्ट ऑल स्पेस। अब इसको मैं एक बार इसके साथ देख लेता हूँ, कल बदल के साथ बाई ओर से जो छोटा ओ की मात्रा थी वो फा बनी और ये हमारा चंद्रबिंदु बनाने के काम आता है बड़े ओ की मात्रा, ऐसे तो इसको केवल दबाओगे तो एक ए बन जाएगा, लेकिन क्या है कि आपने ये शिफ्ट के साथ डब्लू किया और खाली ए ए का बटन ए फॉर अल्फा डॉट वन ए ए दबा दो तो चंद्रबिंदु बन जाएगा, ए दबा के स्पेस मार दो, मतलब लेकिन शिफ्ट डब्लू देन ए स्पेस बार उसके बीच में नहीं, बनने के बाद स्पेस बार चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु ये हुआ स्पेस बार। अब मैंने दिया स्पेस बार, क्या किया मैंने शिफ्ट डब्लू किया उसके बाद खाली ए दबाया तब स्पेस बार दिया तब चंद्रबिंदु बना, ये हूं लिखने के काम आएगा, हा पे बड़ा ऊ की मात्रा देन शिफ्ट डब्लू और
खाली ए छोटा ए प्रेस करके स्पेस बार करोगे तो हाँ वो चंद्रबिंदु बनेगा, लेकिन जब आप हाँ लिखेंगे हाँ जैसे हाँ और नहीं वाला हाँ तब दिक्कत करेगा, तब चंद्रबिंदु हाँ पे आ के बाद जो चंद्रबिंदु आता है तब हम इसको शिफ्ट डब्लू करते हैं तो वो कुछ और हो जाता है, उसके बाद हम खाली ए यानी अनुस्वर का बटन प्रेस करेंगे तो वो गड़बड़ ही कर देता है। तो ये इसका बग्स है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मान लीजिए हा और ये आ, अब यहाँ मान लो औ हो गया, अब ये अनुस्वर तो हॉन हो गया, ये तो ये गड़बड़ हो गया। Select all, line feed. ठीक है तो ऐसा हाँ नहीं होता है। फिर देखिए आधा माँ ठीक है ई पे डॉट वन फाइव ई पे आधा माँ आधा त रुको आधा माँ स्पेस आधा त स्पेस दिया नहीं था आधा ज और आधा ल ठीक है Select all, line ये feed. हो गया। अब इधर से क्या होगा जो कोमा है वो द्वा द्वारा लिखने के लिए द्वा हटाओ आधा अक्षा जो आधा खा था वो आधा अक्षा में बदल गया कल बदल करके आधा अक्षा आधा च आधा व आधा प और आधा ना ठीक तो यानी आधा अक्षा जो आधा खा था वो आधा अक्षा हुआ लक्ष्य लिखने के लक्ष्य वो लक्ष्य लिखना है तो कैसे लक्ष्य लिखना है तो ऐसे कैसे कैसे भाई ल अक्षा और लक्ष्य ठीक तो ऐसे लिखाएगा ठीक है। अब हम नीचे वाली लाइन देख लेते हैं भाई दोस्तों, नीचे वाली लाइन में पहले तो आधा रा है जेड पर हलंतरा ये जो है अक्षर से पहले आता है प्रकाश प्रेम आदि लिखने के लिए स्पेस ग ब ब ब और आ आ आ ठीक है और ई छोटी ई ए ए अब ये क्या था आ अक्षर था ठीक है छोटा आ अक्षर बिंदु एक आ अनार अक्षर और दो चार छोटी ई की मात्रा नहीं है छोटी अक्षर यानी दो चार इमली ठीक है ये हुआ। अब इसको हम एक बार कल बदल से देख लेते हैं Microsoft Word document कल बदल से देखते हैं तो ये बीच वाला रा आधा गा आधा बा बकरी वाला ठीक है टमाटर वाला टा होगा ठ और ये ठा ठ ई की मात्रा जो ई का जो अक्षर था वो ठा बन गया ठीक है Select all, space. मिटा दिया सारा मिटा दिया। अब इधर अब इसको हम नीचे वाली लाइन को वहां से देखते हैं दाएं तरफ से जहां से स्लैश का बटन आता है तो आधा आधा स्पेस आधा आना ऊ ए नहीं ए है हाँ ए कोमा पे ए है ए देन ए की ए अक्षर था ये ऊ अक्षर एक तीन छः ऊ अक्षर उस लिखने के लिए ऊ अक्षर और फिर हमारा आता है ये द दवाई वाला द द दबाद एक चार पाँच द ठीक। अब इसी को हम कल बदल से देखते हैं तो आधा धा जो आधा धनुष वाला आधा धा था है ना उसको करते हैं तो आधा घा और इसको करते हैं तो छा एक छः छा छाता आधा ना नहीं झा हुआ सॉरी हाँ ये झा हुआ झरना वाला झा ठीक है तीन पाँच छः झा झरना झा ये ए जो है ये ड बना ठीक है ऊ जो बनेगा ढा नहीं ए ही हमारा ढा है और क्या कहते हैं हाँ ऊ हमारा ड डलिया है और ये छा छाता है दा दवाद हमारा अगर हम करते हैं तो एन प्रेस करते हैं शिफ्ट एन छा छाता एक छे सिलेक्ट लाइन फीड। अब एक बार देख लेते हैं मान लीजिए मैंने ये दबाया तो ये रुक जाओ डमरू हाँ डमरू डा है हमारा ऊ जो है हमारा ऊ जो है हमारा वो डा है ठीक है तो ए पे हमारा ढा है शिफ्ट ए अगर हम शिफ्ट के साथ कोमा करते हैं देखो तो ढा होता है ठीक है
अच्छा ये select all, line feed. मैं आपको बता दूं कि NVIDIA में भी ये फैसिलिटी है कि जैसे अंग्रेजी का हम लोग शिफ्ट के साथ इंसर्ट अप एरो या नंपैड का 5 दबाते हैं नंपैड बंद करके तो बता देता है ए अल्फा ब्रावो बी ब्रावो सी चार्ली, वैसे इसमें भी आप इंसर्ट अप एरो से या फिर नंपैड 5 के बटन से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपने क्या दबाया। तो एक बात क्लियर हो गई कि छोटा ऊ अक्षर जहाँ पर है यानी एम पर, उससे अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो पहले आपको डमरू वाला ड यानी 1 2 4 6 वाला मिलेगा, और उसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ कोमा 2 प्रेस करते हैं तो आपको ढा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ढा ढक्कन वाला ढा मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप इससे समझ पाए होंगे। तो ये इसका टोटल फंडा है। अब हम इसमें नंबर वाली रो जो है उसे देख लेते हैं, आखिर नंबर वाली रो में हमारे क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस ट्यूटोरियल में। अब एक क्विक रिव्यू है और इसमें कुछ लिख के भी दिखाया जाएगा। नंबर वाली रो में सबसे पहले आता है नुक्ता, जो कि अढ़ा और अड़ा बनाने के काम आता है। नुक्ता का आमतौर पे प्रयोग इसलिए भी होता है क्योंकि मान लीजिए सपोज आप कुछ उर्दू के अल्फाज लिख रहे हैं जैसे कि जफर, जिंदगी, तबज्जू, तो उनके आगे नुक्ता लगाना ना भूले, तभी वो उसके नीचे एक डंडा नुमा आकार आ जाता है जिसके कारण वो शब्द प्रनाउंस होने में अलग दिखाई देता है ना। तो ये है हिसाब किताब नुक्ता का। जैसे मान लीजिए ये तो आधा लिख गया मैंने, देखिए जफर, ठीक है साहब, तो ज ही दबाया, उसके बाद बिना किसी स्पेस बार स्पेस बार कुछ नहीं किया, उसके बाद क्रॉफ की दबा दी, क्रॉफ की जो कि किसके ऊपर है, जो कि टैब के ऊपर है, जो टैब का कंप्यूटर में बटन है ना जिससे आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पीछे भी जाते हैं शिफ्ट टैब से, उसी टैब के बटन को दबाया, तो नुक्ता को दबाया, ज दबाते ही तो जफर बन गया, ठीक है। तो एंटर कर देता हूं, ये देखिए उसके बाद पहले तो नुक्ता है, एक एक दो दो तीन 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 चार चार पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ नौ नौ और शून्य शून्य शून्य। अब इनके साथ भी कल बदल पे कुछ कुछ होता है भाई, शिफ्ट के साथ एक प्रेस किया तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम डंडा आया वैसा, पूर्ण विराम दो किया तो स्लैश स्लैश आया, जैसे कि तारीख लिखते हैं 15/4/2016 स्लैश, ठीक है, तीन किया तो कोलन 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 2/5/4 स्टार स्टार यानी गुणा का चिन्ह है ना, जो कि शिफ्ट 8 से आता है आमतौर पे। अगला दबाया तो डैश डैश हुआ, कितने से 5 से डैश हुआ, ठीक है। 6 से क्या हुआ, 6 से लेफ्ट टिक हुआ, टिक सिंगल इन्वर्टेड कोमा टिक, और 7 से सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्लोज टिक, ठीक है टिक लेफ्ट टिक राइट टिक जो बोलता है। 8 से आधा दा था आधा दा था युद्ध लिखने के लिए युद्ध, और ये त्र होगा हाँ, 9 से त्र, और ये देखिए शून्य है हमारा यहाँ पर शून्य शून्य शून्य, इससे हमारा होता है री री अक्षर, मात्रा नहीं अक्षर, यानी ऋतु लिखने से पहले ये री लगेगी, ठीक है री। और उसके बाद जो और बटन बचते हैं यानी किसके जीरो के बाद किसके आता है, जीरो के बाद डैश डैश बचता है और इक्वल बचता है, ठीक है Space. तो सबसे पहले हम डैश की बात कर लेते हैं, बिना शिफ्ट दबाए डैश क्या है, बिना शिफ्ट दबाए डैश सेमीकोलन है, ठीक है, यानी 2-3 सेमीकोलन 2-3 सेमीकोलन है इसपे, और अगर इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये डॉट बनता है, ठीक है, दशमलव का साइन बनता है 15.26 डॉट हो गया। अगर हम
इक्वल यानी बराबर का निशान दबाते हैं अपने कीबोर्ड में जो कि बैक स्पेस के साथ है, तो सबसे पहले री की मात्रा दिखाएगा। ठीक है, ये है री की मात्रा, कृषि कृष्ण ना कृपा, री की मात्रा है। और इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ इक्वल कर देते हैं तो ये हमारा हलंत बनता है। हलंत, हलंत, ठीक है। हलंत यहाँ पर जो बैक स्लैश का बटन है वो विदाउट शिफ्ट तो लेफ्ट पेरेंट है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट पेरेंट आप शिफ्ट 9 से नहीं बना सकते, लेफ्ट पेरेंट, और इसे शिफ्ट करते हैं तो राइट पेरेंट, राइट पेरेंट, राइट पेरेंट बनता है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल स्पेस। अच्छा, अब ये देखो, अभी इसमें कुछ चीजें मैं आपको मोटी मोटी जल्दी जल्दी से बताता चलूं। वैसे तो आपने सब कुछ जान लिया है बाकी के अन्य ट्यूटोरियल्स में, लेकिन ये रिकैप था और ये साफ रिकैप था, साफ बताने की कोशिश की गई थी इसमें, इसलिए साफ किया गया है। आवाजें इसमें भी है लेकिन आवाजों को फिर भी दूर रखे जाने की कोशिश की जाएगी, इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर से वीडियो में मर्ज कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इसमें जो देखा कि भाई कैसे हमारे ये बाकी कार्य हुआ, अब इसमें अभी भी कुछ अक्षर रह गए। देखो भाई, जो अक्षर पहले से आधे हैं, जैसे आधा खा है शिफ्ट दबाने से, वो आधा अक्षर ही होता है, मतलब आधा उस आधी की जात उसकी छूटती नहीं है। जैसे कि एपोस्ट्रोफी का बटन है वो आधा तलाविशा होता है, शिफ्ट भी कर देते हैं तो आधा मूर्धनिशा हो जाता है, तो पहले से ही आधा है। अब आधे को पूरा कैसे बनाएंगे, तो आधा करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ ए अल्फा डॉट वन ए प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी बड़ा ए लिख देंगे तो वो अक्षर पूरा हो जाएगा, उसके आगे एक डंडा लग जाएगा। ठीक है, चाहे वो अब आधे वाले चाहे वो जो भी हो, आधा धा हो आधा घा हो, है ये हुआ। तो इनको आधा को पूरा बनाने के लिए यही है कि अनुस्वर को कल बदल कर दें अक्षर दबाते ही, स्पेस स्पेस बार ना दबाएं, स्पेस बार बिना दबाए ही उसको कर दें, उसके बाद स्पेस बार दबाएं तो दबाएं, उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर वाक्य खंड समाप्त हो गया हो तब। तो ये हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कि अच्छा, जो अक्षर पहले से इसमें आधे नहीं हैं उनको आधा करने के लिए वही शिफ्ट के साथ जो इक्वल का बटन दिया गया है उससे आधा करेंगे, जैसे कि आधा द धनुष वाला, मतलब दवाई वाला, दवाद वाला आधा था नहीं है हमारे पास, है ना, जो एन पे है तो उसको हम दबाएंगे और वो कर देंगे, उसके जस्ट बाद शिफ्ट इक्वल कर देंगे तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे ट टमाटर आधा नहीं है राष्ट्र लिखने के लिए, केंद्र लिखने के लिए है इसके लिए। अब छोटी की मात्रा का इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी की मात्रा इसमें लगती पहले है, और ये जो एक रा है, एक रा तो जो है जो शिफ्ट से पहले, शिफ्ट के साथ मतलब जो जेड वाला रा है, अगर जेड वाला रा कोई अक्षर दबाते हैं से क्रम लिखना है तो क्रम हो गया। क्या किया मैंने, का इस पे किस पे था, डी पे था, डी डेल्टा डॉट 145, मैंने डी दबाया और जेड दबाया तो आधा कर खुद ही हो गया, और उसके बाद मैंने ई डॉट 15 ई को एको दबा दिया यानी एम यानी मा दबाया तो क्रम बन गया। उसी प्रकार से धर्म, तो धर्म के लिए तो पहले धा आधा मिला हमें, क्योंकि धर्म में धा धर्रा होता है तो आधा धा मिला हमें, क्योंकि हमने स्लैश का बटन दबाया है ना दाईं तरफ से जेड वाली लाइन में, उसके बाद शिफ्ट के साथ ए अल्फा डॉट 1 दबा रहे हैं, ये धा पूरा हो गया। और यहाँ हम लिखेंगे माँ, ठीक है, क्योंकि ये जो रा है धा के ऊपर खुद ही लग जाएगा, हम यहाँ माँ दबाते हैं यानी डॉट 15 इको वाला बटन एको दबाते हैं यानी ई दबाते हैं, और यहाँ शिफ्ट के साथ जेड यानी कैपिटल जेड लिख देते हैं जेड, और ये धर्म हो गया। ठीक है, तो कर्म और धर्म, ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं भैया, अपने भी सुधारनी पड़ती है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें एक ही मात्रा पहले ही लगती है ना, जैसे दिन लिखना हो तो ई द दिन, ठीक है, और मान लो छिपा हुआ या छिप लिखना, अच्छा तो ई ना, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और
की लिखना हो, जैसे हम लोग प्रश्न करते हैं ना की और ये कॉमा की कॉमा की, हाँ जैसे महेंद्र ने कहा कि, तो ये की हो गया ठीक है। तो ई की माता इसमें पहले आई। अच्छा अब इसमें कुछ अक्षर नहीं है जिनको हम देख लेते हैं भाई, जो जो नहीं है वो कौन कौन नहीं है। पहले ओ की मात्रा की बात कर लेते हैं, तो आ और एस दबाएंगे तो ओ मिलेगा, आ ओ ओ मिल गया बिना स्पेस ही किया भाई ठीक है। यानी मैंने क्या किया, ओ के और एस दबाया तो ओ अक्षर मिला हमें ठीक है, मात्रा नहीं अक्षर, ओ अक्षर नहीं था ना तो ओ अक्षर मिला हमें। अब नहीं हाँ ओ अक्षर नहीं मिला, ओ की मात्रा ही मिली ठीक है, ओ की मात्रा मिली। अब ओ अक्षर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मुझे दबाना पड़ेगा वी 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 के और एस, ओ वी के एस वी प्लस के प्लस एस वी के एस वी के एस दबाया तो हमें ये मिल गया ठीक है। अब औ औ अक्षर कैसे मिलेगा, तो के कैपिटल एस औ औ की मात्रा कैसे मिल गई, तो ए वी वी दबा था हमारा वी के और शिफ्ट के साथ एस, बस अंतर इतना ही है बस। अब एक बार तो ओ की मात्रा करने के लिए शिफ्ट एस दबाया, ओ अक्षर बनाने के लिए क्या कहते हैं शिफ्ट एस किया, और उसके बाद इसमें यही एक अंतर है और कुछ करना आपको नहीं है ठीक है। तो ये है ठीक है, ओ ठीक है ओ। पहले तो आपने क्या किया कि खाली ओ की मात्रा के लिए तो आपने के दबाया देन एस दबा दिया, और उसके लिए आपने क्या किया ओ अक्षर करने के लिए वी दबाया के दबाया एस कर दिया। अब औ बनाने के लिए क्या किया, औ की मात्रा बनाने के लिए के तो छोटा ही लिखा लेकिन शिफ्ट एस कर दिया, और उसके बाद आपने औ का अक्षर बनाने के लिए क्या किया आपने वी दबाया के दबाया देन कैपिटल एस कर दिया ठीक है। तो ये है इसमें सिस्टम। अच्छा अब बात आती है कि हमारे पास क्या नहीं है इसमें, छोटा हुआ अक्षर नहीं है भाई, छोटा हुआ मतलब बड़ा हुआ अक्षर नहीं है। तो बड़ा हुआ अक्षर कैसे होगा, बड़ा हुआ अक्षर होगा उ बराबर उ, यानी छोटा उ की पहले तो मात्रा दबा दी और फिर छोटे उ, मैंने छोटा उ का अक्षर दबा दिया फिर छोटे उ की नहीं एक मिनट रुक जाइए, सिलेक्ट लाइन फीड हमने क्या किया अभी बताते हैं। सिलेक्ट लाइन फीड इसमें करना क्या है, सबसे पहले छोटा ऊ की मात्रा दबानी है और उसके बाद शिफ्ट क्यू प्रेस करना है जो कि फा बन रहा था, फा दबा देना बस बड़ा ऊ अक्षर मिल जाएगा है ना। सिलेक्ट लाइन जैसे कि ऊपर ऊपर हाँ ऊपर ऊपर ऐसे लिखते हैं ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या है भाई बात, अब है भाई ए अक्षर की बात करते हैं भाई है ना आई। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आई अक्षर नहीं है, तो ए बराबर ए ए ए ए ठीक है। मतलब कैसे, सिलेक्ट लाइन बी देख भी लेते हैं आई छप रहा है कि नहीं, ए ए ए ए ए ए ठीक है। ऐनक कैसे बनाया, ऐनक क्या किया मैंने, मैंने कोमा दबाया जी और क्या किया मैंने एस दबा दिया, कोमा प्लस एस ठीक है, यानी एक ए अक्षर देन ए की मात्रा, ए अक्षर और ए की मात्रा ठीक है। होम लाइन में ए की मात्रा है आपको पता ही है, ए अक्षर और ए की मात्रा दबा दिया तो तीन चार वाला ए मिल गया ऐसा लिखने के लिए है। कैसे ए. देखिए ए कैसे मिला, ए ऐसा ऐसा ठीक है, लेकिन कैसा लिखने में ये काम नहीं करेगा, कैसा में तो ए का ए, क्योंकि ये जो है जो चीज
जिसमें आवाज मात्राओं की आवाज जिस शब्द में पहले आए, जैसे इन, इस, ऐसा, एक, जिसमें इन में देख रहे होंगे आप जो मात्रा है उसकी आवाज पहले आ रही है, तब तो वो अक्षर के रूप में यूज होगा। लेकिन लिखना है किस, कैसा, जिन है, तो उनमें बात, उनमें मात्रा आएगी, जैसे का शिफ्ट के साथ एस है, कैसा। ठीक, तो ये हुआ हिसाब, ये आपको समझ में आ गया। तो हमें अब ये भी मिल गया और वो भी मिल गया, ठीक है, हमें वो अक्षर भी मिल गई और आए अक्षर भी मिल गई। अब हमारे पास बचा क्या? जी हाँ, क्या बचा? बचा बहुत कुछ बचा रेविंगटन के अंदर। ये तो रेविंगटन टाइपिंग है, इसमें अब इसके प्रोस एंड कॉन्स भी थोड़े देख लेते हैं। गलतियाँ तो इसमें यह है कि पहले तो इसमें प्रश्नवाचक साइन नहीं मिलता, नंबर एक। नंबर दो, इसमें विसर्ग का भी नहीं है, दो। नंबर तीन, जब किसी अक्षर से पहले छोटी ई की मात्रा आए और उसके बाद वो अक्षर आधा भी है, जैसे विधि लिखने के लिए चाहे कुछ और लिखने के लिए, तो उस आधा अक्षर को जब आप, नियम तो ये कहता है कि भाई आधा अक्षर जो पहले से डिफॉल्ट यहाँ आधे मिले हुए हैं, आधा खा मिला हुआ है, आधा अक्षर मिला हुआ है, आधा हाँ मिला हुआ है, आधा घा मिला हुआ है, अब इनको पूरा बनाने का चक्कर तो यही है कि भाई ये करो और शिफ्ट के साथ ए दबाओ। जैसे आप ए दबाओगे तो डंडा लग जाएगा, पूरा बनने की जगह उस अक्षर के आगे वो आधा, वो अक्षर आधा ही रहेगा, उसके आगे एक आ की मात्रा आ, हाँ आ की मात्रा आ जाएगी, वो भी बड़े आ की मात्रा, तीन चार पाँच बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो जो का त्यों हो जाएगा, उसके आगे एक अक्षर आ जाएगा, तो विधिया लिख जाएगा, जैसा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा है, उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरा तो ये हो गया, इसमें एक बार में अक्षर कोई मिटता नहीं, डबल बैक स्पेस करना पड़ता। अच्छा, जो NVDA में फैसिलिटी ऑलरेडी होती है नमपैड 2 या 3 से, जो हमको मिलता है कि वर्ड करेक्टर वाला हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ लिखा और वो बराबर बोले इंग्लिश, जैसे कि सपोज सिलेक्ट लाइन फीड डी ओ जी डॉग स्पेस ए टी कैट स्पेस आर ए टी रैट स्पेस ए आर स्पेस स्पेस आर ए टी रैट स्पेस एम ए टी मैट स्पेस। ठीक, तो ये बोल रहा है Selector, line feed. ये साथ में ही बोल रहा है, तो ये इस कीबोर्ड में या अंग्रेजी के लिए तो हमने NVDA के इस ऑप्शन को यूज किया है ना, number. ठीक है, हमने इसके लिए ये इस फंक्शन को यूज किया है, तब तो जाके बोल रहा है speak type word off. ठीक है, यानी insert 3 कर देता हूँ speak type word on. ठीक, तो insert 3 इस कीबोर्ड को करते ही करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें कुछ भी लिखा हुआ अपने आप ही बनेगा। मान लीजिए मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, सपोज मान लो ये speak type word off, मान लीजिए बंद कर दे, मैंने R A V I रवि P A S W A N नहीं बोला ना, अब मैं हिंदी में आ जाता हूँ, old shift करता हूँ, in the left paren in the right paren dash in the hindi input in m a anusma me, ठीक है, a j i a p a l a o g a o logo g a o o e e a a e j space e e g e hindi english left paren d y p i n g space hindi left paren sir 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 e c comma comma c sir space e c a c ka r e a r a e u e chandra bindu u dekhe ye apne aap hi bol raha tha। ठीक है, अब मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ भाई, इंसर्ट कर स्पीक टाइप वर्ड ऑन। ठीक है, यह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर दिया तो कर दिया। तो ये देखिए, मैंने इसी से लिखा, ये जो लिखा मैंने ये रेविंगटन से ही लिखा, मैं आज आप लोगों को हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूँ ब्लैंक। ठीक है, और जब मैं टाइपिंग लिखा तो आपने देखा होगा टी वाई पी आई एन जी लिखा, उसके बाद स्पेस किया तो कहाँ बोला उसने टाइपिंग स्पेस करते, नहीं बोला ना, कब बोलता, नंबर रो का तीन
और इंसर्ट के साथ इंसर्ट प्लस 3 यानी NVDA प्लस 3 दबा होता था, तो इस कीबोर्ड में पहले से ही होता है। अच्छा आप बात करते हैं और भी, आपको इसमें और कौन सा बटन मिसिंग है, कौन सी मात्रा मिसिंग है, अक्षर मिसिंग है? मात्रा तो सारी कवर है, अक्षर मिसिंग है। जी हाँ, बड़ा आ अक्षर, यानी भाई आम किसको पसंद नहीं है आम तौर पर, तो आम, तो बड़ा आ कैसे लिखते हैं भाई? आप लिखने के लिए, आम लिखने के लिए, है ना? तो उसके लिए करते हैं वी प्लस के, वी विक्ट्री डॉट 1236 वी और बिना स्पेस किए 13 के किलो, कैसे? आ की आ का मात्रा, बढ़िया की मात्रा से आप, ठीक है। लेकिन आप है और पाप लिखने के लिए, लेकिन क्योंकि पाप में पा के बाद है तो इसलिए लिखेंगे पा आप पाप, ठीक है। तो ये है, तो इसमें इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको हाँ उसका उदाहरण फिर भी देता चलूं कि सपोज आपने लिखना है विधि, तो वी और नहीं अब आधा था हो गया और विधि हो गया, ठीक, ये गड़बड़ हो गया भैया। तो ये होता है, इसका सीन ये है और इसमें गड़बड़ियां ये है, ठीक है। बाकी आप सब समझ लेंगे खुद ही, कोई इसमें कोई इतना वाली बात नहीं है। हमें मान लीजिए लिखना है निर्णय, नहीं हाँ निर्माण, निर्माण तो निर ई नी ई की मात्रा, ई ना ई की मात्रा पहले लगाने, एफ का बटन दबाया और मा आ और यहाँ अणा तो आधा है भाई, और यहाँ शिफ्ट के साथ जेड भी कर दिया, आधा अणा था उसको दबाया, उसके बाद शिफ्ट के साथ ए दबाया तो पूरा हो गया। अब ये आधा रहा, इसमें बाद में आएगा निर्माण, निर्माण निर्माण सिलेक्ट लाइन फीड, नहीं निर्माण में ये गलत हो गया क्योंकि निर्माण, तो रुक जाओ तो ना एक नी और निर्माण, ठीक है, ये हुआ निर्माण। तो इसके लिए हमने किया क्या भाई, ई की मात्रा दबाई, ना दबाया, उसके बाद मा भी दबाया और उसके बाद शिफ्ट जेड कर दिया, और शिफ्ट जेड करते ही ना छोटी की मात्रा के बाद जो आधा रहा यूज होना है हमारे ब्रेल के स्टाइल में, अपने आप लग गया भाई, ठीक है। माँ के बाद लगाया वो, माँ के मतलब माँ के बाद लगाया वो लम्मा से पहले खुद ही चिपक गया, और बड़ा आ लगाया और अणा लिख दिया तो निर्माण बन गया। बहुत ट्रिकी है ना ये, उसी प्रकार से कार्य है, चर्चा है, इन सब में अपने अपने हिसाब से इसे देखना पड़ता है, ठीक है। का आ अधर य, तो का आ य और शिफ्ट जेड, हाँ मिटा देते हैं, कार्य का रविंटन याद आ गया, ओ इंस्क्रिप्ट है, का आ का आ य का आ य और कार्य चर्चा चर्चा च दर च आ तो च च आ चर्चा चर्चा, ठीक है। तो ये है इसमें सिस्टम, तो आप इस तरह से इसको देखेंगे, इस तरह से इसे सीखेंगे। अच्छा इस कीबोर्ड में अगर नमपैड का बटन आपके पास है, फुल साइज कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो आप नमपैड वाले बटन का यूज करके आप हिंदी की गिनतियां लिख सकते हैं, लेकिन QWERTY वाले बटन से आप हिंदी की गिनतियां नहीं लिख सकते। हिंदी में बोलेगा तो आपका एनवीडी जरूर, लेकिन जब आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो वो अंग्रेजी की गिनती रहेगी, जैसे 1991 1991 जो है ये अंग्रेजी वाला है जब ये प्रिंट होगा, लेकिन मेरे पास इसमें फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, यदि होता तो वो
पूरा वैसा वाला लिखता, लेकिन हाँ जब उसका प्रिंट निकलता तो ऐसी हिंदी की गिनती रहती कि पढ़ने वाले को भी रुक करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो हिंदी की गिनती प्रिंट होने के बाद कभी कभार समझ में आती ही नहीं। तो एक इस कीबोर्ड का टॉप बैक ये भी है दोस्तों, ये कीबोर्ड है हिंदी इंडिकेट इनपुट 3, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड इनपुट 3, तीन ही हैं। इनपुट 4 आता तो शायद उसमें विकास हो जाता। अच्छा, जो मात्रा इसमें नहीं है, विसर्ग नहीं है, प्रश्नवाचक का साइन नहीं है, उसके लिए आप ASCII कोड रेफर कर सकते हैं, जो कि ओल्ट का बटन दबा के होता है, और ASCII कोड के ऊपर बाद में एक दिन ट्यूटोरियल बना देंगे, ये ट्यूटोरियल कहीं लंबा ना हो जाए। ASCII कोड दबा के आप होल्ड करके कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण देता हूँ, ओल्ट दबाया 391 लिख दिया, 1250 लिखा, ओल्ट दबाया और नंपेड वाले बटन से ही लिखा जाता है, QWERTY से के ऊपर वाला 123 जो प्राप्त हो रहा है उससे आप ओल्ट दबा के उसको दबाएंगे तो आप ASCII कोड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ASCII कोड के लिए आपके पास फुल साइज 102 की वाला स्टैंडर्ड कीबोर्ड होना अनिवार्य है, तभी आप ASCII कोड से कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इससे निश्चित ही लाभान्वित होंगे और जरूर ही आपको ये लाभ पहुंचाएगा। तो ये तो इस पे जो मैंने आपको बता दिया सो था ही, अब ट्यूटोरियल को अधिक लंबा नहीं करते। इनस्क्रिप्ट, अब इनस्क्रिप्ट का आप देख लीजिए कि इनस्क्रिप्ट बहुत आसान है। इनस्क्रिप्ट भी थोड़ा जल्दी से मैं इसमें बताता चलूँ कि इनस्क्रिप्ट में क्या है। इनस्क्रिप्ट में जो विंडो की दी हुई डिफॉल्ट इनस्क्रिप्ट है, ये बहुत अच्छा है इसका सीन कि इसमें तो एक तो कोई लफड़ा नहीं है, तो जो ASDFG तक हम जाएंगे इसमें भी, और यहाँ से भी हम लेंगे एपोस्ट्रोफी, वही वाला चलेगा एपोस्ट्रोफी सेमीकोलन LKJ और H तक। तो हाँ, तो अब देखिए इसमें है क्या। पहला है ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ये आधा अक्षर यानी हलन, छोटी ई की मात्रा, यहाँ कॉमन है दोनों जगह एक ही, छोटी की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा हो गया भैया। अब इधर से क्या है, पहला है ना जो एपोस्ट्रोफी का बटन है वो क्या है, टा टमाटर है, और उसके बाद क्या है, च है, फिर ता तकलीफ है, फिर का है यानी के पे का है, और जे पे आपका र है जो वहां भी था, ठीक है ये हो गया। अब कुछ नहीं, इनमें तो बहुत आसान है भाई। अब ये जो ये थे इस साइड के जो थे ASDFG तक, ये सारे अभी अभी तक तो फिलहाल ये मात्रा के रूप में चल रहे थे, अभी अक्षर बन जाएंगे, जैसे ओ अक्षर, ए अक्षर, छोटा आ अक्षर, छोटी ई अक्षर और छोटा ऊ अक्षर, कितना सिंपल था, स्पेस कर दिया। अब यहाँ शिफ्ट को एपोस्ट्रोफी यानी सिंगल मतलब जो पहला वाला कोड करेंगे तो ठा, क्योंकि पता है टा के बाद क्या आता है, ठा ही आता है भाई, चा के बाद क्या आता है, छ आता है, हैं? और ता के बाद क्या आता है, था, ठीक है, का के बाद क्या आता है, खा, बस इसमें जो जेड का बटन, जेड का जो जे का बटन है 245 जे जो जूलियट, ये बटन आपका छूट जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और इसके बाद हमारा प है, तो यानी हमारा एच का बटन जो है वो प है, तो प को अगर शिफ्ट करते हैं तो फ हो जाता है, प हो गया। अब ऊपर वाली लाइन को देख लो भाई, क्यू है सबसे पहले, तो पहले औ की मात्रा, औ दो चार छः, औ स्पेस, आए की मात्रा, स्पेस, बड़े आ की मात्रा, आ स्पेस, बड़ी की मात्रा, ई स्पेस, बड़ा ऊ की मात्रा, ऊ स्पेस। राइट ब्रैकेट से क्या होगा, राइट ब्रैकेट है भैया, एंटर के बाद यानी बैक स्लैश के साथ वाला बटन है जो राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट क्या है भाई, है क्या है राइट ब्रैकेट, नुक्ता है, नुक्ता, नुक्ता है, फिर डा डमरू है, डमरू है, डमरू बजाया, डमरू, और ये क्या है, ज है, ठीक है, ज, द दवाई वाला, द, ग गमला वाला है, और ह, हाँ उसके बाद ब, 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 जा, 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 स्पेस। अब इसी को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, राइट ब्रैकेट से शुरू करूंगा, ठीक है, नुक्ता क्या बनेगा, यहाँ छोड़ो वैसा, डलिया क्या बनेगा, ढा के बाद, ढा के बाद क्या आता है, ढा, ढा, स्पेस, ठीक है। अब ये जा के बाद क्या आता है, झा, झा, स्पेस, द, द दबाद के बाद क्या आता है, धा धनुष, धा, स्पेस, गा के बाद क्या आता है, घ,
ठीक है, अब जो हा है ना, वो क्या है, अंगा है, अंगा। अब बा के बाद क्या है, भा, ठीक है। अब यहाँ पर जेड का बटन छूटता है, सीधा एक्स से शुरू करते हैं। एक्स में क्या है, अनुस्वर है, ठीक है, हट जाओ। सीक में है माँ, इसके बाद है ना, और उसके बाद है वह, अब इसमें क्या है, स्लैश पे क्या है, फिर डॉट, अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप आया, ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी वाला कॉमा भी होगा, चलो, फिर सा, दंती सा है ये, उसके बाद अगर हम करते हैं तो ला, ठीक, साइस, अब इसको शिफ्ट के साथ ही देख लेते हैं, यहाँ या रू तो बनेगा नहीं, या यही रह गया, छोड़ो भैया, फुल स्टॉप पूर्ण विराम हिंदी वाला हो गया, जो कि वहाँ पर शिफ्ट के साथ वन दबाने से हो रहा था, क्यू डब्ल्यू या टी वाला वन, क्यू के ऊपर वाला वन दबा के पूर्ण विराम हो गया। कोमा जो है, कोमा मूर्धन्य सा बना भाई साहब, और कोमा के बाद एम जो है, जो खाली सा हो रहा था, वो ताला विशा बन गया जी, आजी बहुत अच्छा। अब ये वह जो है, ये हमारे लिए नहीं है, और ये भी हमारे लिए नहीं है, इनको शिफ्ट दबा के देखने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब बैक स्लैश ऑस्ट्रेलिया वाला ओ लिखने के लिए, और इसको शिफ्ट करके भी कॉपी वाला कॉम लिखने के लिए, ठीक। सिलेक्ट लाइन फीड, अब इसमें क्या है, धर्म धर्म वाला आधारा लिखने के लिए शिफ्ट तीन, और प्रकाश प्रेम वाला आधा ला, ला लिखने आधारा लिखने के लिए शिफ्ट के साथ चार दबाएं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, उस वाले कीबोर्ड में आपको अंगा और यहाँ भी नहीं मिलता, रेमिंटन में, और इसमें अंगा और दो पांच यहाँ भी है, तो निश्चित ही है कि आपको ये रिकैप पसंद आया हो। निश्चित ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको पूरा देखिएगा, और ये वीडियो आपको समझ में आने वाला भी है, और ये आएगा भी, इसमें हमने पूरी तरह से बता दिया है। अच्छा, इसमें इक्वल का बटन क्या है भाई साहब, इक्वल देख लेते हैं, नंबर वाले रो के इक्वल जो है वो री की मात्रा है, और उसके बाद डैश का बटन जो है वो विसर्ग है, नहीं डैश तो डैश ही है, ठीक है, हाँ, इसमें गिनते हैं वैसे। अब जो री की जो मात्रा है उसको अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपको री अक्षर मिल जाता है, पहले वो मात्रा थी, जो इसमें नियम चलता ही है वही है, और डैश को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो छह विसर्ग मिलता है, जो अंग्रेजी में हमारे कैपिटल लिखने के लिए भी काम आता है, ब्रेल वालों के लिए विसर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी इसमें कुछ चीजें हैं, पांच पे आपको है ज्ञा, शिफ्ट पांच दबाएंगे ज्ञा, शिफ्ट छह दबाएंगे त्र, शिफ्ट सात दबाएंगे अक्षा, और शिफ्ट आठ दबाएंगे तो इन्होंने रू तो नहीं दिया लेकिन श्र दिया है। अच्छा, अब आपको रेमिंटन कीबोर्ड में एक और बेनिफिट बताते चलिए। आपने यहाँ पर 1-2-3 वाले बटन के पहले आपने जो क्रॉफ की देखी थी, क्रॉफ की जो नुक्ता है अभी, उसको अगर शिफ्ट करते हैं तो दिया बनता है, आधा दा या विद्या लिखने के लिए, ये देखिए, ठीक है, ये दिया बनता है। लेकिन आपको रेमिंटन विंडो में मौजूद जो इंस्क्रिप्ट है हमारे विंडो 7 से लेकर उसे लेटर विंडो तक में, उसमें ना तो दिया, ना तो द्वा, और ना ही आधा दा धा, ये कुछ नहीं मिलता। श्र कोमन क्या है, आधा तला वी श र श मिलता है लिखने के लिए, और त्रा भी मिलता है त्रिशूल वाला, बस कुछ इसमें है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने लिए हैं, कुछ जो भी है, तो ये तमाम चीजें हैं, और बाकी आपको आगे भी हमारे तरीके से हिंदी के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, काफी कुछ हिंदी में जानने को मिल जाएगी आपको, और जिनकी हिंदी बिल्कुल कमजोर है, ना तो रेमिंटन ना तो इंस्क्रिप्ट, दोनों में से कुछ भी नहीं सीखना चाहते, तो फिर उनके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक कीबोर्ड का भी एक शॉर्ट ट्यूटोरियल प्रस्तुत करेंगे आगामी ट्यूटोरियल में, जिसमें कि आप अंग्रेजी में लिखेंगे ट्रांसलिटरेशन में काम करेगा वो, जैसे कि के ए एम एल लिखा तो कमल, के ए एम ए एल ए कमला, तो ऐसे बनेगा, तो वो स्पेस करते ही बनेगा, शुरू में नहीं, शुरू में तो अंग्रेजी के लेटर ही बोलेगा, स्पेस मारोगे तब जाके वो परिवर्तित हो जाएगा।
तो ये हम आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे उसके विषय में, तो उसका भी यूज़ करके आप लोग देखिएगा और निश्चित ही है कि वो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए आप लोग उससे लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीक में। तो जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।